मिलके मेरे ना रखो बच के हुए आहू कोए उच्ची मेरे नाल कोई बंदा नबी दा गुलाम खामोश रहे बच के हुए आहू को फिर सुए कदम ले चले इसी शहर के पुकरी को फिर वुसत सहरा दे या रब मिल के कहे या रब अल्लाह से दुआ भी मांगे या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को कलमा दे जो रूह को तड़पा और मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तान का मैं कहीं सा मिल के मेरे साथ कोई मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तान का अरे ये मुल्क जो है किसी और के लिए नहीं दिया पाकिस्तान का मतलब क्या हमारे अबाव जदाद ने ये नारा लगाया हजरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमाते अली शाह से पूछ लो अरे अब्दुल हमद बुखारी से पूछ लो मौलाना हजरत वहानी से पूछो फजल हक हैदराबादी से पूछ लो अरे पूछो जाके हजरत काजी आजम मोहम्मद अली जिन्ना से पूछो अल्लामा इकबाल से पूछो सफर अली खान से पूछो क्या कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह अरे जिस मुल्क के अंदर आज कलमा पढ़ना गुनाह बन जाए ओए मैं बुलबुल इस उजड़े गुलिस्तान का जहां इस्लाम कबूल कर ले और इस्लाम के फैलाव को रोकने के लिए अरे मुल्क के पाकिस्तान की असेंबलियों में कानून और इंतजाम दाते पेश की जाए तो मैं 18 साल से कम उम्र में कलमा नहीं पढ़ सकता ओए मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तान का जहाँ मशालों की आवाजों को दबा दिया जाए जहाँ कचरिया और तवायफों के कलों में जो है वो चीज है सजा की तमगे डाले जाए कि ये नाच भी अच्छा है जहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर बीमार हो और कोई वजीर उसको पूछ लेना चाहे जहाँ कचरियों के घरों में चहल चहक दिए जाए मैं बुलबुल इस उजड़े गुलिस्तान का जहां कालिया नियत सरे बाजार नाच रही हो खत्मे नबूवत पे पहरे लगा दिए जाए और ताज मारे खत्मे नबूवत को नारे को दबाने के लिए कानून हर घर में आ जाए मैं बुलबुल नाला इस उजड़े गुलिस्तान का पूछे मैं बुलबुल नाला या रब मिले मुझे
मुस्लिम को